नमस्कार, न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग केवल रील बनाने वाले नहीं हैं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह केवल रील बनाकर दिखाने वाले लोग नहीं हैं, समझे? चुप बैठो एकदम। लोको पायलट जब अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके आते हैं तो वो रनिंग रूम में, ऐसा है केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना? बैठो, बहुत हो गया था, कुछ भी बोल देता है। 2014 से पहले जो आज लोको पायलट्स के साथ सिंपैथी दिखा के रील्स बनाने में व्यस्त है, उन लोगों के समय में जीरो था, जीरो, एक भी लोको। आप मुझे बताओ, 558 में से एक भी जीरो था, एक भी कैब एसी नहीं थी। माननीय अध्यक्ष जी, ये फिर आप किस बात का ये कर? जी हाँ, सदन में भड़क गए रेल मंत्री। आमतौर पर बेहद ही शांत नजर आने वाले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लोकसभा में ऐसे भड़के कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। लेकिन ऐसा हुआ क्या कि वो भड़क गए? आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं। रेल मंत्री रेलवे में किए जा रहे सुधार और लोको पायलट के बारे में सदन को पूरी तरह से जानकारी दे रहे थे, लेकिन इस दौरान सदन में खूब हंगामा चल रहा था। लेकिन रेल मंत्री अपनी बात को जारी रखे हुए थे और इसी दौरान किसी ने उन्हें रेल मंत्री कहकर ताना मार दिया। बस इतना बोलना था कि रेल मंत्री भड़क गए और गुस्से में तमतमाए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का वो रूप नजर आया जो अब तक शायद किसी ने भी नहीं देखा होगा। वैष्णव जिस समय ये बोल रहे थे उस समय काफी ज्यादा हंगामा होने लगा। बार बार रेल मंत्री का जिक्र किए जाने पर वो नाराज हो गए और उन्होंने भड़कते हुए कहा कि चुप बैठो एकदम चुप, कुछ भी बोल देते हैं। इसके बाद उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से कहा कि माननीय अध्यक्ष जी, हाउस को ऑर्डर में लाइए, ये क्या तरीका है, कुछ भी बोल देते हैं। इस दौरान सदन में हंगामा मचता रहा और सत्ता पक्ष के सांसदों को भी खड़े होकर विपक्षी सांसदों का विरोध करते हुए देखा गया। सदन में हो रहे हो हल्ले के बीच लोकसभा स्पीकर ने अश्विनी वैष्णव से कहा कि माननीय मंत्री जी, आप किसी भी व्यक्ति का रिस्पॉन्स मत करो। इसके जवाब में रेल मंत्री ने कहा कि जैसा आपका आदेश। इसके बाद वो अपना भाषण पूरा करते चले गए और उन्होंने इस दौरान रेलवे में हुई भर्तियों से लेकर और जो सुधार हैं उनकी जानकारी दी। रेलवे ट्रैक की सुरक्षा को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ट्रैक फेलियर रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती थी। मोदी सरकार ने ट्रैक फेल पर बड़ा फोकस किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यूपीए के समय 32,000 किलोमीटर ट्रैक का नवीनीकरण होता था, वहीं एनडीए सरकार में उसकी जगह 43,000 किलोमीटर का नवीनीकरण हुआ। रेल मंत्री ने अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्शन तकनीक के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पिछले 10 साल में 52,000 अल्ट्रासोनिक क्रैक डिटेक्शन किए गए, इसके साथ ही उसमें नॉलेज इंप्रूव किया गया। रेल मंत्री ने कागज के पन्ने के साथ इसे समझाते हुए सदन में बताया कि कैसे यह तकनीक काम करती है। उन्होंने कंपेयर किया कि पुरानी तकनीक में एक व्यक्ति अल्ट्रासोनिक मशीन लेकर रेलवे ट्रैक पर जाता था, इसमें जितना डेटा आता था उससे पूरी एक्यूरेसी नहीं आ पाती थी, इसीलिए सरकार ने फेज अरे अल्ट्रासोनिक मशीन को डेवलप किया है। रेल मंत्री ने यह भी बताया कि लगभग हर जोन में इस तकनीक को लागू किया गया है ताकि ट्रैक में कोई भी गड़बड़ी हो तो उसे तुरंत ठीक किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि इसका फायदा भी मिला है। 2014 के मुकाबले 2023 तक ट्रैक फ्रैक्चर के मामले में 85% की कमी आई है। आपको बता दें कि रेल हादसों को लेकर जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ये आंकड़े पेश कर रहे थे तो विपक्ष हंगामा मचाना शुरू करता है। विपक्ष के हंगामे के बीच रेल मंत्री गुस्से में आते हैं, विपक्ष पर निशाना साधते हैं कि उनके समय में रेल हादसों को स्केल पर नापा जाता था। कांग्रेस सोची समझी साजिश के तहत अपनी ट्रोल आर्मी के जरिए लोगों के मन में रेल को लेकर एक डर पैदा कर रही है। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाया जा रहा है। 2 करोड़ लोगों को जो रेल से सफर करते हैं उनके मन में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस पूरे वाकये के बाद भी विपक्ष सरकार और रेल मंत्री पर हमलावर रहा। इस मामले को लेकर अब शिवसेना यूबीटी की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी रेल मंत्री पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि उन्हें आत्मचिंतन करना होगा और देश को जवाब देना होगा। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मोदी जी के रेल मंत्री इसीलिए भड़क गए क्योंकि उनसे जवाबदेही मांगी गई। एनडीए 1.0 के लगा कि उनसे जवाबदेही नहीं मांगी जाएगी, वो भूल गए कि अब विपक्ष काफी मजबूत हो गया है। उन्होंने आगे ये भी जोड़ा कि रेल मंत्री जो उत्तेजित हुए हैं उन्हें थोड़ा आत्मचिंतन करना होगा।
पिछले जो रेलवे मंत्री हुए वो ग्लानी महसूस कर इस्तीफा दे देते थे, मोरल हाईग्राउंड को लेकर करते थे, उन्होंने यहाँ पर इन्हें ग्लानी महसूस नहीं होती, लोकेशन पर जाकर शूटिंग होती है, फिर उसकी रील बनती है, फिर उसका प्रचार करते हैं, प्रचार और रील मंत्री से ऊपर उठकर वे रेल मंत्री बने और देश को जवाब दें। इन सब के बीच कुछ तस्वीरें देखनी चाहिए जो बालासोर के बाद चर्चाओं में रहीं। तब सवाल भी उठे कि क्या हादसे के बाद पर्यटन हो रहा है और मंत्री जी से पहले कैमरा पहुंच रहा है। तब खबर की शक्ल में सफाई दी गई कि कभी बालासोर के कलेक्टर रहे जो अधिकारी हैं उन्होंने अधिकारी जो थे जो मंत्री रहे उन्होंने 50 घंटे यहाँ बिताए, लेकिन कई खबरिया चैनलियों ने इसे भी इमेज मैनेजमेंट ही बताया। अब भले ही मंत्री भड़क गए लेकिन जबरन शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बीमार बताई जा रही जनता बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहती है। सिर्फ एक साल में हुए 5 हादसों में गोंडा के 4, जामताड़ा के 2, बालासोर के 296, बक्सर के 4, विजयनगरम के 14 मृतकों की आत्माएं, फिर सुनिए, 14 मृतकों की आत्माएं जिंदा मुसाफिरों के लिए मंजिल की गारंटी चाहती हैं, मौत नहीं चाहती। बाकी क्या है, रील आती जाती रहेंगी, अंगूठे लगते रहेंगे, लाइक्स मिलते रहेंगे और सियासत चलती रहेगी। आपका रिएक्शन जरूर दीजिएगा।